हेलो दोस्तों, आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। ये एक चालू कंपनी का होम थिएटर है, चाइना कंपनी का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इस होम थिएटर को मैं रिपेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें दोस्तों इसको पावर देने के बाद भी ये चालू नहीं हो रहा है, तो यही इसका प्रॉब्लम है जो मैं आज आप लोगों के सामने इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तब जाके वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो उसको भी आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको पीछे साइड से पहले खोल लेते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों इसका कनेक्शन वगैरह पहले देख लेते हैं, कहीं पर शॉर्ट है या नहीं, या फिर टूटा फूटा तो नहीं है। ठीक है, कनेक्शन वगैरह लगता है सही है, फिर भी एक बार इसका वोल्टेज जो इन हो रहा है उसको एक बार चेक कर लेंगे कि वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ये है, यहाँ पर यह वोल्टेज ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ पर इन हो रहा है। ठीक है, 12012 वोल्टेज यहाँ पर, इसको भी एक बार चेक करेंगे इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, मल्टीमीटर का हमने यहाँ पर पहले डीसी के रेंज में रख के चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद सप्लाई हमने दे दिया है, वोल्टेज को चेक करते हैं। देखिए, कोई वोल्टेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा है किसी में भी। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा एसी इनपुट है इसी में कोई दिक्कत हो सकता है। दोस्तों, ये एसी इनपुट वायर को हमने चेक किया तो ये सही बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो प्रॉब्लम है, ये ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा खराब हो सकता है। ठीक है, एक बार इसको चेंज करके एक बार पावर दे के देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है उसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये हमने अलग एक ट्रांसफार्मर लेके आया है, ये 12012 4 एम्पेयर का है। ठीक है, लेकिन इसमें 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर तक लगाना पड़ेगा। अभी मैं इसको सिर्फ चेक करने के लिए एम्पेयर ये ट्रांसफार्मर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका कनेक्शन देखिए, ये ग्रीन जो वायर है ये हमारा 12 वोल्ट का है और ब्लैक वायर 0 वोल्ट का है, तो सेम ऐसा ही हम कनेक्शन करेंगे इसमें। ये देखिए, हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। अब इसमें पावर देके देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है या नहीं। ठीक
ठीक है दोस्तों, हमने कनेक्शन कर दिया, अभी हम इसमें पावर देने वाले जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ही हमने पावर दे दिया है, ये देखिए चालू हो गया है। ठीक है, ये देखिए मैं चालू करता हूँ, देखिए चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, आपको पता चल गया इसमें क्या प्रॉब्लम था। इसमें ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट खराब हो चुका है। ठीक है ना, तो इस ट्रांसफार्मर को चेंज कर देने से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आप लोगों को दिखाया ये ट्रांसफार्मर, ये बहुत ज़्यादा एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है ये, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर ये छोटा सा एम्पलीफायर में नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर काफ़ी है जो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से एक ट्रांसफार्मर ला के लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।